स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। डोरी में डोरी अपने पिता गंगा प्रसाद के साथ दुर्घटना के आरोप में आनंद ठाकुर को गिरफ्तार कराने की सभी संभावनाओं को खारिज कर देती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि ठाकुरों को विशेष डिजाइन बनाने के लिए गंगा की जरूरत है, जो उन्हें अपना अच्छा नाम बनाए रखने में मदद करेगी। दूसरे देशों में ठाकुराइन के ग्राहकों ने उन्हें बेहतरीन साड़ी डिजाइन दिखाने के लिए एक दिन का समय दिया है। यही सब सोचकर कैलाशी पहली बार बुनकर मोहल्ले में गई। उसकी इच्छा थी कि वह गंगा और डोरी से मिले। कैलाशी को तुरंत पता चल गया कि डोरी ही वो लड़की है जिसने कोमल की गोद भराई में गड़बड़ी की थी। योजना के अनुसार कैलाशी ने गंगा को विशेष प्रार्थना करने के लिए कहा और उसके काम पर बहुत ध्यान दिया, जिसके बाद उसने गंगा से उसे अपना कौशल दिखाने के लिए कहा ताकि वह इसका उपयोग कर सके। अगले शो में डोरी विनम्र तरीके से कैलाशी का प्यार लौटा देगी। स्थानीय लोग भी कैलाशी को सुहागन द्वारा दिए जाने वाले सामान्य उपहार देकर उसके लिए अपना सम्मान दिखाएंगे। यह सब कैलाशी के लिए बुरा होगा क्योंकि उसने जो हासिल करना चाहा था वह हासिल नहीं कर पाई। वह गंगा में तैरने जा रही है और उन लोगों से बदला लेने की कसम खाएगी जिन्होंने उसका अपमान किया और उसे शर्मिंदा किया। कैलाशी देवी ने अकेले बुनकर मोहल्ले जाने और गंगा से अपने विचारों पर काम करने के लिए कहने का विकल्प चुना। गंगा और डोरी कीचड़ भरी सड़क पर उसका इंतजार कर रहे थे। कैलाशी क्या करने जा रही है यह देखना दिलचस्प होगा।